बचपन से ही था इन्हें गाने का शौक, परिवार में भी था संगीत का माहौल। बस फिर क्या था, छोटी सी उम्र से ही शुरू कर दिया राहुल तिवारी ने अपनी आवाज को निखारना। बुआ खुद संगीत की टीचर थी तो इस शौक को सीखने में उन्हें ज्यादा कठिनाई नहीं हुई, और फिर भाई का भी तो साथ मिल गया था गाने गुनगुनाने में। स्टेज प्रोग्राम्स में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया करता था और काफी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ये फर्स्ट भी आया है, विनर भी रहा है वहाँ पर। दादा दादी छोटा भाई सभी राहुल के फैन हैं और उनके साथ गुनगुनाने से भी नहीं चूकते, और फैन हो भी क्यों ना, आखिर राहुल को रविंद्र जैन, अहमद हसन, मोहम्मद हसन, इस्माइल दरबार और पीनाज मसानी जैसी हस्तियों से सम्मान जो मिल चुका है। इतने सारे रियलिटी शोज टीवी पे आते हैं, हम देखते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि उनमें रियलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, और ये पहला ऐसा शो है जिसमें रियलिटी ही रियलिटी है। ये अगर हम कह सकते हैं वास्तव में रियलिटी शो है जिसमें सिंगर्स भी अच्छे हैं, जो वो गाते हैं, जो हमें वहाँ पे सिखाया जाता है वो सब हम सामने पब्लिक को सुनाते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें रियलिटी ना हो, सारा पूरा पहला ऐसा शो है जो रियलिटी जिसमें है। अब राहुल से सभी को बेहद उम्मीदें हैं, सभी को लगता है कि वो मैनपुरी का नाम जरूर रोशन करेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन गाना गाते हैं वो, एक अच्छे सिंगर हैं, और मैं समझता हूँ कि मैनपुरी के लिए बहुत ही फख्र की बात है, गर्व की बात है कि मैनपुरी शहर का एक जो युवक है वो इतना प्रदेश लेवल पे या इंडिया लेवल पे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आजकल के परिवेश में भी राहुल ने अपना बेस क्लासिकल ही रखा है, क्योंकि वो मानता है कि अगर नींव अच्छी हो तो उसे कामयाबी जरूर मिलेगी। विजय अम्बेश, सहारा न्यूज ब्यूरो, मैनपुरी। तो जान लिया आपने राहुल तिवारी के बारे में, लेकिन अभी बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमें राहुल से करनी है, तो इसके लिए हमारे साथ खुद लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं राहुल तिवारी। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो राहुल, एक बहुत अच्छा सफर आप तय कर चुके हैं, काफी आगे तक आ गए हैं, मंजिल से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस पड़ाव पर आप हैं कुछ भी हो सकता है वहां पर, तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक इस शो का सवाल है तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, और सबसे बड़ी बात कि अभी किसी को ये नहीं पता कि कौन आगे जाने वाला है, कौन कहाँ पर है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है हमारे साथ, जो प्लस पॉइंट है, वो कि हमें जो सीखने को मिल रहा है वहाँ पे जी, एक अच्छा हम लोग सीख रहे हैं वहाँ पे अच्छे गुरुओं के द्वारा, और एक म्यूजिकली माहौल जो हम शुरू से हर सिंगर चाहता है कि वो म्यूजिक के माहौल में रहे जी जी, तो एक परिवार की तरह हम वहाँ पे रह रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। राहुल, क्योंकि आप मूलतः शास्त्रीय गायन करते हैं और काफी कठिन माना जाता है, लेकिन वाकई में अगर शास्त्रीय गायन आप करते हैं तो आप किसी भी विधा का गीत गा सकते हैं, चाहे वेस्टर्न हो, इंडियन हो, फिल्मी हो, कोई भी हो। तो आपसे हमें जानना चाहेंगे, माहौल हमने देखा आपके घर का काफी संगीतमय रहा है, तो रुझान था या पहले आपको बिठा के सिखाया गया कि म्यूजिक आपको सीखना है? नहीं, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं अपने जो मेरी गुरु हैं डॉक्टर मंजरी मिश्रा जी, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, उनसे ही मुझे संगीत, आप कह सकते हैं कि एक उनके द्वारा, उन्हें मैं जब सीखते हुए देखता था घर पे, जब गुरुजी सिखाते थे उन्हें, पंडित सूर्यकुमार दीक्षित जी जब उन्हें घर पे सिखाते थे, तो मैं बचपन से उस संगीत को सुना मैंने, और घर से कभी ये बाउंडेशन नहीं हुई कि हमें संगीत करना ही करना है जी। लेकिन बचपन से एक एम रहा कि नहीं, हमें म्यूजिक करना है, और बस सुन सुन के इतना किया है और सीखा भी काफी है जी। तो राहुल, क्योंकि म्यूजिक सुनना सभी को अच्छा लगता है, संगीत सभी के कानों को अच्छा लगता है, तो हम चाहेंगे गीत आप हमें सुना दें, आप हमारे साथ, और बगैर गाना सुने प्रोग्राम में आगे बढ़े अच्छा नहीं लगता जी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं आपको एक ना एक क्लासिकली गाना स्टार्ट करता हूं। बिल्कुल, स्वागत है।
बहुत खूब राहुल, सुर काफी सधे हुए आपके हैं, तो मैं जानना चाहेंगे कि प्रतियोगिता में आप हैं, आपके साथ आपके शहर के भी एक कंटेस्टेंट हैं, इसके अलावा बाकी लोग भी हैं, तो क्या ग्रुप में आप सीखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हर किसी का अपना अपना एक हुनर होता है, तो बाकी किस तरह से मदद आपको मिल रही है इस आइडिया प्राइड ऑफ यूपी के मंच पर आकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ जो मैनपुरी से ही विक्रांत है जी, वो काफी म्यूजिकली मतलब बहुत ज्यादा नॉलेज है उसे, और इसके अलावा विशाल मिश्रा और मेरी एक अच्छी फ्रेंड है वहाँ पे, अर्चना शुक्ला है और ओसामा, ये सभी क्या किसी के पास, कोई तो वेस्टर्न बहुत अच्छा गाता है, बिल्कुल, कोई सूफी बहुत अच्छा गाता है, कोई क्लासिकल बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा वर्सटाइल सिंगर है जी, तो इन सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम लोग कभी वहाँ पे ये माहौल नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे के से म्यूजिकली इतना शेयर करते हैं हर बात जी, कि जैसे अगर किसी का गाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमसे शेयर करते हैं, हम उससे शेयर करते हैं जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे जी। बिल्कुल राहुल, दोस्ताना माहौल में अगर सारा कुछ सीखा जाए और एक दूसरे के संग रह के, तो खुद को भी मदद मिलती है, सामने वाले को भी मदद मिलती है, तो हम चाहेंगे कोई ऐसा गीत गुनगुना दे जो आप अपने दोस्तों के बीच में बैठ कर गाते हैं, जब सारे यार दोस्त मिलकर बैठते हैं, तो कौन सा गीत आप पसंद करते हैं गाना? ओके, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर, बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राजदार। थैंक यू। तो राहुल, कोई तो हो राजदार, क्या कोई राजदार मिला आपको अपने जीवन में? अगर नहीं तो जब मिलेगा तो कौन सा गाना आप पेश करना चाहेंगे, कोई आएगी आपकी जिंदगी में तो वो थोड़ा चाहेंगे कोई गीत ऐसा सुना दे हमें? जी हाँ, एक गाना जो मैं मुझे बहुत मतलब मैं बहुत ज्यादा फील करता हूँ उस गाने को जी, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार तो है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, कसम की कसम ली कसम दी कसम, कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार तो है सिर्फ तुमसे। थैंक यू। तो चले राहुल, जिसके लिए आपने गीत चुन के रखा है, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपके जीवन में आए खुशियां और आप गीत गा के सुनाएं। तो राहुल, जजेस की बात हम करते हैं, जैसे कि आप भी इस शो के बारे में कह रहे थे, बहुत अच्छा शो है, एक बहुत बड़ा मंच है, लेकिन बाकी शो की तरह यहाँ बेवजह डांटना फटकारना या फिर जबरदस्ती चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना ऐसा कुछ नहीं होता है, जो असल गायक उनकी परख होती है, तो हमें जानना चाहेंगे इस मंच पे आप पहुंचे हैं, जजिस से क्या क्या सीखने को मिलता है, जो कमेंट्स आपको मिलते हैं, जो कमियां बताई जाती है या फिर जो खूबियां आपको बताई जाती है, उन पर गौर करते हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि और रियलिटी शोज में क्या होता है कि जैसे हम जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो मैंने देखा है अभी तक जी जी, तो जजेस इतना रूडली पार्टिसिपेंट्स से बिहेव करते हैं जिससे काफी जो डिमोरलाइज हो जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, और इस शो में क्या है, भले ही वो पूर्णिमा जी हों, कुमकुम दीदी हों या मोहम्मद अजीज साहब हों, ये लोग अगर इन्हें कोई कमी बहुत बड़ी लगती है तो ये हमें स्टेज पे बताती हैं, लेकिन अगर इन्हें लगता है कि ये कमी इतनी बड़ी नहीं है तो वो हमें बैक स्टेज उस चीज को सुधारने में मदद करते हैं, और आफ्टर शूट भी हम उनसे मिलते हैं, बिफोर शूट भी हम उनसे मिलते हैं जी जी, जिससे हमें काफी मजा, और बड़ा फैमिलियर हम उनसे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो हमारे मन में किसी तरह का हेजिटेशन या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती जी। तो चले राहुल, आपसे अभी और भी हम गीत सुनेंगे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।